हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में। इसका नाम है स्टडी आईएएस। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रेसी राइटिंग के बारे में। तो ये कुछ हैक्स हैं जो आप लोग सीएपीएफ के एग्जामिनेशन पेपर 2 में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने 15 मार्क्स को पक्का करने के लिए। तो देखते हैं हम लोग कैसे अपने जो 15 मार्क्स हैं उनको फुल में कन्वर्ट करके अपना सिलेक्शन लेते हैं। देखो, पहले बात करते हैं कि ये प्रेसी राइटिंग होता क्या है। तो ये एक बहुत ही बड़े पैसेज का एक समरी होती है। आपको एक बहुत ही बड़ा पैसेज दिया जाएगा या जो भी हो, उसमें आपको उसको शॉर्ट कर लिखना है, तो उसको ही हम लोग कहते हैं प्रेसी राइटिंग। पर आप जब उसको लिखोगे, आपको जो चीज़ याद रखने की है कि आपको उसका जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं, जो ऑथर आपको पहुँचाना चाहता है, वही आपको मेंटेन करने हैं जब आप उसे छोटा करने जाओगे। एक बात और कि आपको अप्रोक्सीमेटली 1/3 करनी होती है अपने पैसेज की लेंथ। तो कोशिश करेंगे कि जितना से ज़्यादा छोटा छोटा आप करके अपने पैसेज को कम करें, आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि आपको ये सब करने के लिए पहली चीज़ देखते हैं कि आपको अवॉइड क्या क्या करना है। जब आप उसको समराइज कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो पहली चीज़, आपको लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं कि आप एक ही सेंटेंस को लिखते जा रहे हो, तो उनको लंबा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसी मीनिंग को कम सेंटेंसेज में कर प्रेजेंट करने की कोशिश करें। सेकेंड थिंग, आपको रिपीट नहीं करने हैं, ना ही सेंटेंस, ना ही उनके मीनिंग, ना ही एक सेंटेंस को एक अलग सेंटेंस के रूप में प्रेजेंट करके उसको दूसरा सेंटेंस बना के जिसका मीनिंग सेम हो उसको लिखने की कोशिश करनी है। थर्ड, आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन तो देने की ज़रूरत है ही नहीं, ना ही अपने रिमार्क, ना ही अपने क्रिटिसिज्म। अपनी जितनी भी जीके की नॉलेज है, अपनी जितनी भी न्यूज़पेपर्स की नॉलेज है, उनको आप अपने घर छोड़ के आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो भी ओपिनियन है, रिमार्क है, क्रिटिसिज्म है, वही है जो आपको पैसेज के अंदर मेंशन्ड है। आपको पहली बात कि ऑथर को जज बिल्कुल ही नहीं करना है कि ऑथर क्या गलत कह रहा है, क्या सही कह रहा है। जो ऑथर ने कहा है वही रेलिवेंट है हमको समरी बनाने के लिए। और आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑथर का व्यू है, जो उसका कंटेक्स्ट है, आप उसे रीगेन कर सकें जब आप समरी अपनी क्रिएट करें। लास्ट थिंग, आपको बिल्कुल भी जर्की नहीं होना है कि आप इधर उधर की बातें हो समरी के साथ साथ। दिस सजेस्ट दैट मोस्ट प्रोबेबली आपने जो पैसेज है उसका जो मेन सोल है उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें। अब देखो कि आपको करना क्या है। अब तक तुमने बात कर ली कि क्या चीज़ नहीं करनी है, अब देखते हैं हमें करना क्या है अच्छे नंबर लाने के लिए। तो पहली चीज़, आपको जो प्रेसी राइटिंग है उसको हाईलाइट करना है, उसकी जो मेन आइडिया है। मान लो कोई मेन आइडिया है क्लाइमेट चेंज, तो पूरा पैराग्राफ में आपको क्लाइमेट चेंज को ही हाईलाइट करके रखना है। वही आपका काम है, वही आपकी समरी का काम है। आपको सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी पॉइंट्स जो ऑथर ने मेंशन किए हैं उन्हीं को ही अपने शॉर्ट समरी में लिखते रहना है, उन्हीं को ही लिखना है, उसके अलावा कोई अपना एक्स्ट्रा स्टफ नहीं घुसाना है। आपको कंप्रेस करना है, क्लेरिफाई करना है एक लेंथी पैसेज को, तो आप इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कीवर्ड्स, इम्पॉर्टेंट डाटा के ऊपर नज़र रखो जो भी पैसेज के अंदर ऑलरेडी मेंशनड है। आपको रिमूव कर देनी है फालतू की जो बकवास जो कि लिखी हुई है पैसेज के अंदर, जो कि रेलेवेंट नहीं है आपकी समरी बनाने के लिए। पर आपको ये याद रखना है कि आपका जो समरी का कोर एसेंस है वो मिस ना हो जाए अगर आप कोई एक पॉइंट हटा रहे हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है कि आप किस तरीके से मूव कर रहे हो बेकार के पॉइंट्स को। अब बात करनी है कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है जब आप प्रेसी राइटिंग करेंगे, आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये हाउ टू वर्क वाला जो सेक्शन है ये इसी से डील करेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है एक अच्छा समरी बनाने के लिए। तो देखो, पहली चीज़, जब आप रीड करोगे, जब आप पढ़ोगे, तो आप पढ़ते समय ये खोजने की कोशिश करो कि सोल क्या है, पैसेज असलियत में
आपको क्या पहुंचाना चाह रहा है, क्या उसका मेन सोल है, क्या उसका मेन मकसद है एक पूरा पैसेज लिखने का। जब आप लिख रहे हो तो यू हैव टू अंडरलाइन द मेन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, क्योंकि यही जो वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं, आप जब अपनी समरी लिखोगे ये कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं, आप जिन्हें यूज करोगे डायरेक्टली, तो आपका जो समरी है वो आपके पैसेज के मेन कंटेक्स्ट को क्रिएट करने में सहायता देगा। जो आपके पैसेज के अंदर पहले से ही है उसी को ही आपकी समरी के अंदर लाने की कोशिश करेगा। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि आपको एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है, आपको रिमूव कर देने हैं फालतू के सेंटेंसेस जिनका सेम मीनिंग है या जिनका आपके समरी में अगर आप हटा भी दोगे तो भी कोई ज्यादा फायदा या फर्क नहीं होगा, पर आपका जो पैराग्राफ होगा वो शॉर्ट होगा। बिकॉज यू हैव टू ट्राई टू मेक द पैराग्राफ एज शॉर्ट एज पॉसिबल। थर्ड की बात करते हैं राइट की। जब आप लिखने बैठोगे तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको कंटेक्स्ट क्रिएट करना है, आपको देखना है कि आप किस तरीके से पैसेज को समरी में जब आप कर रहे हो तो आप चीजों को मेंटेन करके रख रहे हो, तो उसमें जो आपने अंडरलाइन करे हैं सेंटेंसेस उनका आप इस्तेमाल करोगे, पर डायरेक्टली नहीं। अगर डायरेक्टली इस्तेमाल करोगे तो जिस जो भी क्वेश्चन पेपर को करेक्ट करेगा वो सोचेगा कि यार बच्चे ने एग्जैक्टली वही लिख दिया है जो कि पैराग्राफ में रिटन है। नहीं, आपको बस उसका कंटेक्स्ट क्रिएट करना है। यू हैव टू लिंक द मेन पॉइंट्स और जो वर्ड्स आपने मार्क करे हैं, और आपको अपनी स्किल इस्तेमाल करनी है कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसफर करें दूसरे सेंटेंस के अंदर जिसका मीनिंग सेम रहे। तो ये है ट्रिक्स आपको कैसे प्रेसी राइटिंग लिखनी है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। बाकी आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी बेस्ट। इसके अलावा CAPF से रिलेटेड और जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी मेरे को लगेगा कि एक डिफिकल्टी आ सकती है किसी स्टूडेंट को काम करने के लिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। So thank you for having me here guys. It was presented by me and my name is written on the screen. And have a good day ahead. Hamari aur videos dekhne ke liye aap hame subscribe kar sakte hain and do hit the like button agar ye videos aapke help kar rahi hain toh.